तो कानून पर सियासी संग्राम आज भी किसानों की तरफ से अपने विरोध को एक बार फिर से प्रदर्शित किया गया। हालांकि लगातार किसानों का जो आंदोलन है वो चल रहा है कानून को लेकर। बीते 7 महीनों से दिल्ली का बॉर्डर घेर कर बैठे किसानों ने शनिवार को आंदोलन में जान फूंकने की एक और बड़ी कोशिश की। आंदोलन के 7 महीने पूरे होने के मौके पर किसानों ने पूरे देश में न सिर्फ 3 किसान कानून विरोधी रैलियां निकाली बल्कि राजभवन तक पहुंचने का ऐलान करके सरकार के बंदोबस्त को चुनौती तक देने की कोशिश कर डाली। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों का आंदोलन आम तौर पर शांतिपूर्ण ही रहा, लेकिन पंजाब की तस्वीर कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। किसान आंदोलन के 7 महीने, सड़क पर फिर आए किसान। ट्रैक्टर रैली पर बढ़ा टकराव। पंजाब में किसानों का नया संग्राम। तीन कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ किसान आंदोलन बीते 7 महीने से लगातार जारी है। आंदोलन को शुरू हुए इतने दिन भले ही बीत गए हों, लेकिन किसान तीनों कानूनों को वापस ले जाने की मांग पर अब भी अड़े हुए हैं। शनिवार को 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के 7 माह पूरे हो गए। 7 महीने हो जाएंगे, तो 7 महीने होने के बाद ये प्रदर्शन हो रहा है गवर्नर के वहाँ, और राष्ट्रपति जी से ये है कि उनको दिया जा रहा है। फिर उसके आगे की क्या रणनीति होगी वो फिर बाद में तय करेंगे। इस मौके पर किसानों ने देश के अलग अलग हिस्सों में न सिर्फ ट्रैक्टर रैली निकाली, लेकिन मोहाली और पंचकुला में किसानों के प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने एक बार फिर कई सवालों को खड़ा कर दिया। पंचकुला में किसानों और पुलिस के बीच टकराव देखने को मिला। किसान चंडीगढ़ में दाखिल न हो सके, इसके लिए मोहाली बॉर्डर व पंचकुला में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन किसानों की संख्या को देखते हुए इंतजाम नाकाफी साबित हुए। पंचकुला में किसानों व पुलिस के बीच टकराव हो गया। प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस के बैरिकेड्स को उखाड़ फेंका। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार तक की, लेकिन पानी की धार भी आगे बढ़ते किसानों को नहीं रोक सकी। ऐसा ही कुछ हाल मोहाली का देखने को मिला, जहां पुलिस बैरिकेड्स को तोड़कर किसान चंडीगढ़ में दाखिल हो गए और राजभवन के नजदीक तक पहुंच गए। वी हैव इनफ फोर्स टू टैकल विद एनी सिचुएशन एंड वी विल ट्राई टू डील विद द सिचुएशन पीसफुली। वी होप दैट ऑल द प्रोग्राम टुडे विल बी कंडक्टेड विदाउट एनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। खुफिया अलर्ट के बाद देश और राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगह पर भारी संख्या में सुरक्षा बल और पुलिस बलों को तैनात किया गया। दिल्ली के सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन के बाहर इस वक्त मौजूद है, जहां पर पुलिस की तैनाती आप देख रहे हैं कि अलर्ट मोड पर दिल्ली पुलिस यहां पर नजर आ रही है। यहीं से किसानों के प्रतिनिधियों का कहना है कि वो इसी स्टेशन पर इकट्ठे होंगे और यहीं से रोष प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देने के लिए एलजी हाउस की तरफ जाएंगे। मेट्रो स्टेशन की अगर बात करें तो सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन के अलावा विश्वविद्यालय और विधानसभा जो मेट्रो स्टेशन है वो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक बंद किए गए हैं। इस तरीके के नोटिस जो तीनों मेट्रो स्टेशन है उस पर चस्पा किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि 10 बजे से लेकर 2 बजे तक इन मेट्रो स्टेशन में ना एंट्री होगी ना एग्जिट होगी। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश से आए भारी संख्या में किसान इकट्ठा हुए। गाजीपुर में ट्रैक्टर के साथ पहुंचे किसानों की बड़ी संख्या को देखते हुए पुलिस ने 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी। जत्थे आते रहेंगे, जाते रहेंगे, शाम को आ चले जाएंगे या कल तक चले जाएंगे। आज गवर्नर को ज्ञापन दिए जाएंगे, उसके पास किसान के पास में ट्रैक्टर ही है बस साधन, उसका आवागमन का साधन है। ट्रैक्टर रैली पाप है क्या कि पाप हो जाएगा कोई ट्रैक्टर रैली? ट्रैक्टर तो रैली तो है, ये शांतिपूर्वक ही रहेगी। कभी भी किसी भी चीज में किसान का हिंसा, उपद्रव, आगजनी
ये सब चीजें राजनीतिक दलों के लिए होंगे, किसान के लिए नहीं होती। इसी बीच किसानों के बड़े नेता बन चुके राकेश टिकैत ने इस आंदोलन के आगे की रूपरेखा का भी खुलासा किया। ये 43 महीने का वो है पूरा, अभी तो 7 महीने ही तो ये 36 महीने और चलेगा आंदोलन, सरकार नहीं मान रही। अच्छा, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। अच्छा, महंगाई तो बढ़ी ना, 4 साल से गन्ने का रेट भी नहीं बढ़ा, आलू का किसान भी दुखी है, क्या ना यही रहेंगे आज तो। अच्छा, जबकि दूसरे किसान नेताओं ने इस प्रदर्शन और आंदोलन को आने वाले चुनाव के लिए किसानों की रणनीति बताई। आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है, आंदोलन पूरी तरह गांधीवादी अहिंसात्मक है, आगे भी रहेगा, पर जब आंदोलन लंबा चलता है तो कुछ ना कुछ विसंगतियां सत्ताधारी दलों के द्वारा पैदा की जाती हैं। इस बीच दिल्ली में 10 किसानों का एक दल उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिलने राजभवन तक पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ 2 ही किसान नेताओं को भवन के अंदर जाकर उपराज्यपाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ज्ञापन सौंपने की अनुमति मिली। उधर देश के अलग अलग हिस्सों से भी किसानों के रैली निकालने और राज्यपाल तक अपनी बात पहुंचाने की खबरें मिलती रहीं। जयपुर में शहीद स्मारक से सिविल लाइन फाटक तक किसानों ने मार्च निकाला। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के दफ्तर में घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा पहले से ही पुख्ता थी। 7 महीने से यह सरकार तानाशाही रूप से अघोषित आपातकाल लगा रखी है, इसलिए हम राजभवन का घेराव कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी को रोष पत्र भेज रहे हैं। जबकि कर्नाटक में राजभवन का घेराव करने निकले किसानों में से 50 किसानों को पुलिस ने शांति भंग करने के इल्जाम में गिरफ्तार भी कर लिया। बहरहाल हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान और सरकार के बीच अब भी गतिरोध बना हुआ है और लोगों को इसी गतिरोध के टूटने का इंतजार है, ताकि उन्हें रोज रोज की आशंकाओं के बीच से होकर ना गुजरना पड़े।